अगर तुम लोग एक माइनक्राफ्ट कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर हो तो तुम लोग को ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज मैं तुम लोगों को माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक एंड मॉड्स देने वाला हूँ जो कि तुम्हारी वीडियो मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। पता कि तुम लोगों के इससे व्यूज भी इंक्रीज हो जाए, सो उससे पहले तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए आओ तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को कुछ इस टाइप की एनिमेटेड वीडियो बनाना सिखाऊंगा जो कि काफी कूल लगता है एंड तुम्हारी वीडियो एडिटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प भी करने वाला है। सबसे पहले तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक मॉड मिलेगा, उसे डाउनलोड कर लेना है जो कि ग्रीन स्क्रीन नाम से है। एंड तुम लोगों को कुछ माइनक्राफ्ट में इस टाइप की स्क्रीन के ब्लॉक्स देखने को मिल जाएंगे, एक रेड स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन एंड ग्रीन स्क्रीन के नाम से। एंड तुम लोगों को इन्हें ले लेना है, कोई सा भी ब्लॉक ले लेना है। एंड तुम लोगों को एक वॉल टाइप का यहाँ पर बना लेना है। सबसे पहले इस टाइप का बनाने के बाद तुम लोग को यहाँ पर सेंटर में आके खड़े हो जाना है। उसके बाद तुम लोगों को यहाँ पर वीडियो सेटिंग्स में आके अपना कैमरा पर्सपेक्टिव फ्रंट में एंड हाइड हैंड एंड हाइड एचडी को इनेबल कर देना है। एंड उसके बाद तुम लोगों का जो एफओबी होगा उसे भी तुम लोगों को यहाँ पर वीडियो सेटिंग्स में जाके करीबन 40 से 50 के बीच में रख सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि 41 रखो। एंड मुझे भी यहाँ पर 41 रख लेना चाहिए पहले। के बाद तुम लोगों को यहाँ पर इमोट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड तुम लोगों को कोई सा भी इमोट यहाँ पर चूज कर लेना है। एंड उसके बाद तुम लोगों को कुछ इस टाइप की यहाँ पर क्लिप्स को रिकॉर्ड कर लेना है, कुछ इस टाइप से हर एक इमोट को यहाँ पर लाना है। एंड हर एक इमोट पर तुम लोग कोई सा भी इमोट पर क्लिक कर दो एंड कुछ छोटी छोटी क्लिप्स बना लेनी है इमोट्स की। एंड उसके बाद तुम लोग को अपना कोई सा भी एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर या ऐप ओपन कर लेना है। उसमें तुम लोगों को कोई सा भी एक मतलब वीडियो या बैकग्राउंड की वीडियो ले लेनी है। मैंने ये वाला बैकग्राउंड चूज किया है, तुम लोग कोई सा भी चूज कर सकते हो। एंड अब तुम लोग को पीआईपी पर क्लिक करके वही वाली अपनी मतलब जो तुमने क्लिप्स बनाई थी उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है एंड उसे ट्रिम कर देना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर उसे ट्रिम कर लेता हूँ उसी छोटी सी क्लिप को। एंड देन ट्रिम करने के बाद तुम लोगों को जो वीडियो है उसको तुम लोगों को क्रॉप कर देना है, कुछ इस टाइप से यहाँ पर क्रॉप कर लेना है कि तुम्हारा सिर्फ कैरेक्टर हो, बाकी की ग्रीन स्क्रीन तुम्हारी वापस आ जाएगी। एंड तुम लोगों को कुछ इस टाइप से यहाँ पर जूम कर लेना है। एंड यहाँ पर तुम लोगों को उसके बाद कटआउट में यहाँ पर चले जाना है। कटआउट में तुम लोगों को क्रोमा को सिलेक्ट करके यहाँ पर ग्रीन पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड तुम लोग को इसे फुल बिल्कुल भी नहीं रखना है, तुम्हें यहाँ पर 81 से लेके यहाँ पर तुम लोग 84 के बीच में यहाँ पर रख सकते हो एंड शेडो को यहाँ पर फुल कर देना। तो तुम्हारी जो ग्रीन स्क्रीन है वो यहाँ पर बिल्कुल ही चली जाएगी एंड तुम्हारा जो इमोट का वो रहेगा एनिमेटेड वीडियो सिर्फ वही बचेगी, तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर जरा मैं वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ एंड अब देख सकते हो तुम लोग यहाँ पर जो वीडियो है वो कुछ स्टेप से देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर तुम लोग को यहाँ पर फिल्टर पे यहाँ पर क्लिक कर देना है, बाकी का मैं फालतू का पार्ट यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। फिल्टर पे तुम लोग को क्लिक कर देना है जल्दी से, यहाँ पर भाई फिल्टर मिल जाए यार। हाँ ये रहा फिल्टर, भाई कहाँ गया, हाँ ये रहा फिल्टर। एंड एडजस्ट पे चला जाता हूँ, यहाँ पर इसकी जो ब्राइटनेस है उसके तुम लोग फुल कर देना एंड देन यहाँ पर इसकी जो सैचुरेशन है उसको भी तुम लोग यहाँ पर फुल पे सेट कर देना। इतना करने के बाद तुम लोग को यहाँ पर देख सकते हो तुम्हारी जो वीडियो है वो यहाँ पर बनकर रेडी हो जाती है। तो अब मैं तुम लोगों को कुछ सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ जो कि हर एक यूट्यूबर यूज़ करता है, मेरा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूबर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो तुम्हारा हैंड शेक होता है और तुम्हारा जो कैमरा एंगल शेक होता है उसे तुम लोग फिक्स स्टेप से कर सकते हो। तुम लोगों को सेटिंग्स में आना है, अपनी वीडियो सेटिंग्स में जाना है एंड यहाँ पर व्यू बोबिंग और कैमरा शेक को यहाँ पर ऑफ कर देना है एंड दोनों को तुम लोग यहाँ पर ऑफ कर देना है। वैसे ही तुम लोग अपना गेम को देखोगे तो तुम्हारा जो शेक था वो यहाँ पर अब बंद हो जाएगा। जल्दी से मैं तुम लोग को बता देता हूँ, तुम लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो जो हमारा हैंड शेक का प्रॉब्लम था और कैमरा शेक हो रहा था वो प्रॉब्लम यहाँ पर हट चुकी है। एंड अब आ रही है अपना थोड़ा सा वर्ल्ड को सुधारने की, तो यहाँ पर दोबारा से हम लोगों को सेटिंग्स में चले जाना है एंड यहाँ पर वीडियो सेटिंग्स में जाने के बाद तुम लोगों को अपना एफओबी हमेशा, जब भी तुम लोग वीडियो रिकॉर्ड करो तो तुम लोगों को हमेशा 60 से 69 तक तुम लोग रख सकते हो। अगर उससे ज़्यादा करोगे तो थोड़ा सा अजीब लगता है, बट यहाँ पर तुम लोग रख सकते हो 60 65 से 70 के बीच में तुम लोग रख सकते हो।
और अगर तुम लोगों का लो एंड डिवाइस नहीं है तो तुम लोग मतलब लो एंड डिवाइस नहीं है तो मैं आगे जो सेटिंग्स बता रहा हूँ उन्हें अप्लाई मत करना। एंड अगर तुम्हारा लो एंड डिवाइस है तो यहाँ पर रेंडर क्लाउड्स, ब्यूटीफुल स्काई, स्मूथ लाइटनिंग एंड फैंसी ग्राफिक्स और उसके नीचे वाली जो सेटिंग्स है उन्हें यहाँ पर तुम लोग ऑफ कर देना। देन इनको ऑफ करने का तुम्हारा जो वर्ल्ड है वो PhD के वर्ल्ड जैसा लगने लगेगा। एंड इसके लिए तुम लोग शेडर्स भी लगा सकते हो। एंड अगर तुम लोगों को शेडर चाहिए तो मुझे कमेंट में कर देना शेडर्स, या इस वीडियो का अगर पार्ट टू चाहिए तो मेरे को कमेंट में पार्ट 2 लिख देना और वीडियो को लाइक कर देना एंड मैं इसका पार्ट 2 लेके आ जाऊंगा। एंड अब तुम लोग को और सेटिंग्स के बारे में मैं जल्दी से बता देता हूँ। तो दोबारा से तुम लोग को वीडियो सेटिंग्स में आना है एंड यहाँ पर मैं जल्दी से बता देता हूँ, थोड़ा सा लैग करेगा। एंड तुम लोग को जो UI प्रोफाइल है उसे यहाँ पर पॉकेट पे होगी, तुम्हें यहाँ पर क्लासिक पे सेट कर देना। एंड अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज UI को भी इनेबल कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हारी जो स्क्रीन है वो छोटी हो जाएगी। तो एंड अगर तुम लोगों को पता करना है कि मैं कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, कैसे एडिट करता हूँ, तो तुम लोग कमेंट में लिख देना पार्ट 2, तो मैं इस वीडियो को पार्ट 2 ले आऊँगा। एंड अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो यस लिख देना एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।